देखिए, अगर हम अंक ज्योतिष से समझना चाहें तो नरेंद्र मोदी जी की जन्म तारीख है 17 सितंबर, यानी उसका अंक होता है 8। 8 का अंक भारत के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। भारत का जो गणतंत्र दिवस है वो 26 जनवरी को है, यानी वहाँ भी 8 का अंक आ गया। गणतंत्र का मतलब है कि जब भारत पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में आया, जब भारत में संविधान लागू हुआ, भारत में नियम कानून चलने शुरू हुए, वो भी 8 के अंक से प्रभावित रहे हैं। ज्योतिष में 8 के अंक के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा अनुशासित, बड़ा डिसिप्लिन्ड अंक है और इनके जीवन में मेहनत बहुत होती है, संघर्ष बहुत होता है, कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती। अब अगर हम ये समझते हैं कि मोदी जी तीसरी बार शपथ जो है वो 8 जून को लेने जा रहे हैं, तो देखिए 8 अंक वालों के लिए 8 के अंक को अंक ज्योतिष बहुत अच्छा नहीं मानता। इसीलिए 8 जून के पीछे केवल अंक नहीं देखेंगे, 8 जून को किस समय और किस मुहूर्त में वो शपथ लेने जा रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। केवल तारीख बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करेगी, जिस समय वो शपथ ग्रहण करेंगे उस समय की जो शपथ ग्रहण की कुंडली बनेगी वो बताएगी कि अगले 5 साल का कार्यकाल कैसा रहेगा और अगले 5 साल सरकार के सामने किस तरह की मुश्किलें या फायदे उनको मिलने वाले हैं, आने वाले हैं। देखिए, केवल अंक के आधार पर आप इतना बड़ा निर्णय नहीं ले सकते, ये एक संयोग भी है, या कह लें कि ऐसा मोदी जी के साथ बार बार होता है कि 8 का अंक उनके जीवन में आ जाता है। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है, शपथ ग्रहण की बात है, बहुत बड़े निर्णयों की बात है, उनके पीछे बाकी ग्रहों को भी देखना होगा, क्योंकि 8 जून को ही सही, अगर वो सही मुहूर्त में शपथ लेते हैं तो सही मुहूर्त में लिया गया शपथ उनके 5 साल की सरकार को चला सकता है और बेहतर रख सकता है। अगर नीतीश कुमार जी की कुंडली की बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली है और वृश्चिक राशि है। जब द्विस्वभाव का लग्न होता है या द्विस्वभाव की राशि होती है तो उसमें आप ये अनुमान नहीं लगा सकते कि दरअसल होगा क्या, क्योंकि द्विस्वभाव का लग्न या द्विस्वभाव की राशि हमेशा एक से ज़्यादा ऑप्शन पैदा कर देती है। तो नीतीश कुमार जी की कुंडली में बार बार जो परिवर्तन होते रहते हैं उनके राजनीति में, उसके लिए उनका द्विस्वभाव का लग्न जिम्मेदार है। अभी की स्थिति अगर उनकी देखें तो अभी उनकी राहु की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है। शुक्र मिथुन लग्न का सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है और उनकी कुंडली में उच्च राशि में बैठा है, दशम भाव में। अकेला शुक्र उनको किंग मेकर बना रहा है और शुक्र ये स्थितियां दिखा रहा है कि वो बहुत सारी बार्गेनिंग, बहुत सारी शर्तें और लाइजनिंग के साथ सरकार को समर्थन देंगे। अभी के लिए वो NDA से दूर जाएंगे, इसकी संभावना कम लगती है। ऐसा लगता है कि अभी उनका समर्थन NDA के लिए जारी रहेगा। अगर हम चंद्र बाबू नायडू की बात करें, मेष लग्न है उनका और धनु राशि है, यहाँ भी द्विस्वभाव की राशि है, यानी यहाँ पर भी थोड़ा संदेह बनता है। हालांकि उनकी दशा जो चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है और चंद्रमा की स्थिति की वजह से ऐसा लग रहा है कि उनका समर्थन भी NDA को जारी रहेगा।